सो हे गाइस, स्वागत है सबका फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल दी एंडी ब्लॉग में। सो गाइस, सुबह सुबह का टाइम है, सुबह 6:47 हो रहा है और अभी जो है हमें जाना है दुकान पे, क्योंकि आज जो है दुकान पे कल लगवाना है बाहर। और यहाँ पे जो है पाइप भी आप दिख रहा होगा, तो ये पाइप जो है हमें लेकर चलना है दुकान पे। तो गाइस, अभी जो है हम लोग मिस्त्री को ढूंढ रहे हैं जो कल का काम करने वाले हैं। वैसे तो वो मोड़ पे थे, लेकिन अब पता नहीं अब कहाँ है। साइकिल का दुकान पे साइकिल बनवाने वाले थे, लेकिन अब साइकिल दुकान पे वो है नहीं। तो यार उनके घर पे देखते हैं, घर पे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अभी अभी जो है हम लोग घर पे गए हुए थे उनके, लेकिन वो घर पे भी नहीं है और बाइक का पेट्रोल भी खत्म हो चुका है। गिर चुका है, केवल कल का काम बाकी है। तो गाइज, हमने जो हमको काफ़ी ज़्यादा ढूंढा, हमने हर जगह तलाश किया लेकिन वो कहीं मिले नहीं। तो हम लोग वापस घर पे आ चुके हैं, अब वो आते हैं दुकान पे तो पापा जी कॉल करेंगे तो फिर हम लोग जाएंगे। तो देखते हैं कब तक आते हैं। 1 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और अभी कॉल आया था कि जो मिस्त्री हैं वो दुकान पे आ चुके हैं। तो चलते हैं और जाके जो कल है उसे कसवाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है मिस्त्री आ गया। अभी जो है हमें इन दोनों को लेकर चलना है दुकान पे, क्योंकि इसका काम करने वाला है मिट्टी को हटाने के लिए, क्योंकि मिट्टी हटे तभी वहाँ पे कल का पाइप जो लगने वाला है वो लगेगा। काफ़ी तेज़ी लगी थी, तो यहाँ पे है खाना और खाने में है पालक पनीर, चावल और मसूर का दाल। तो खाएंगे, खाने के बाद से फिर वापस वहीं पर चलना है। तो चलते हैं। अब जो है मैंने खाना खा लिया और अभी कोई फ़ोन आया नहीं था दुकान पर से, तो हमने सोचा कि राशन कार्ड में अभी नाम जुट रहा है, तो राशन कार्ड में नाम जुट रहा चलना है। तो चलिए चलते हैं। अभी वो जो ओपन नहीं हुआ था, ओपन हुआ वो 11 बजे। तो अभी हम आए यहाँ पे चूड़ी कटवाने के लिए, स्पाइक को कटवाना है, फिर उसके बाद इनका चूड़ी कटवाना है ताकि वो कल में कसा सके। तो देखते हैं। तो गाइस, इनका जो है शॉप क्लोज है, तो अब दूसरी जगह देखना पड़ेगा, दूसरी जगह देखते हैं ओपन होता है तो इसे कटवाते हैं। Thank you.
आ चुका हूँ घर पे, जो कल को जो कल में जो भी चीज़ें खोलनी थी वो सारी चीज़ें हमने खोल लिया था, केवल कल को कसना बाकी था। तो वो जो है चंदन भैया और वो जो बाबा हैं दोनों मिलकर आराम से कल को कस लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अभी जो भी सारी चीज़ें होगी वो मैं आपको चल के शाम को दिखाऊंगा, तो बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। यहाँ पे डैजी जो है वेट कर रही थी। नो तो गाइस जैसा कि आपने अभी देखा क्रिस बैठा हुआ था टॉयलेट सीट पे, वो दरअसल वो बैठा नहीं था, वो फ्लश कर रहा था। उसको फ्लश के फ्लश अभी काफ़ी देर तक करना है, क्योंकि हमें जो है बाथरूम का टंकी को फिल करना है पूरे तरीके से, ताकि लीकेज का पता चल सके। इसके लिए जो मैंने मोटर भी ऑन कर दिया है और वहाँ पे फ्लश किया जा रहा है, ताकि टंकी भरे और टंकी भरने के बाद ही लीकेज पता चलेगा। कहाँ का लीकेज आपने ब्लॉग में पहले शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो है यहाँ से पहले लीकेज था, यहाँ पे पहले पाइप था, जो कि पाइप यहाँ पे है, ये पाइप जो है इधर गया हुआ था और ये पाइप जो है यहाँ से आया हुआ है। तो यहाँ से पाइप आया हुआ था और ये पाइप इसमें था, कनेक्शन किया गया था, लेकिन पाइप अच्छे से कवर नहीं होने के चलते यहाँ से पानी लीकेज था, क्योंकि अंदर से प्लास्टर हुआ नहीं है, इसका फिर दोबारा प्लास्टर किया गया। अब देखते हैं ये पानी लीकेज करता है कि नहीं करता है, यहाँ से वही हमें चेक करना है। पानी लीकेज नहीं कर तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर अभी कोई पानी लीकेज नहीं है, तो इसको हम 2 घंटे छोड़ेंगे, 2 घंटे के बाद से चेक करेंगे पानी लीकेज करता है कि नहीं करता है। जो है पानी भरे हुए 10 मिनट भी नहीं हुए कि यहाँ से वाटर लीकेज होना स्टार्ट हो गया। अब देख सकते हैं ये वाटर लीकेज स्टार्ट हो चुका है, पहले बिल्कुल सूखा हुआ था, 10-15 मिनट के बाद से ये और ज़्यादा हो जाएगा, 10 और 10 मिनट के बाद वेट करते हैं। ये देखो हमने 1 घंटे छोड़ा, 1 घंटे के बाद ये पूरा इसमें लीकेज प्रॉब्लम है, और प्लस ये पानी देखो इतना पानी लग चुका है। तो ये लीकेज प्रॉब्लम ऐसे छूटने वाला है नहीं जब तक अंदर से इसका प्लास्टर ना हो। तो हम क्या करेंगे, इसका जो पानी है फिर से दोबारा खाली करेंगे, इस बार पूरा खाली करेंगे, और कल जो है टंकी सफाई करने वाले जो होते हैं उनसे हम पूरा टंकी सफाई करवाएंगे, फिर इसका जो है अंदर से प्लास्टर होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये लीकेज का प्रॉब्लम जो है कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। तो चलिए इसका पानी जो भी है इसको खाली कर देते हैं। जो मोटर है ऑलरेडी सेट है, हमें केवल इसका प्लग ऑन करना है। प्लग ऑन करने के बाद जो है हमें इसमें कहीं पानी की भी आवश्यकता होगी, लेकिन पहले इसका प्लग ऑन करते हैं। इसका वायर लगा दिया, प्लग ऑन करना। अभी जो है आप देख सकते हैं मोटर जो है मोटर ऑन है, लेकिन पानी नहीं रिसीव कर रहा। तो पानी रिसीव करने के लिए हमें इस पाइप में पानी डालना होगा। तो अब जो है मैंने यहाँ पर ले लिया है पानी, और इस पानी को इस पाइप में डालेंगे। तो भाई जैसे कि आपने देखा जो पानी है पानी उठा लिया है। अब जो है कम से कम पानी पूरा खाली होने में कम से कम 6 से 7 घंटे लगेंगे, यानी 6 से 7 घंटे मोटर जो है लगातार चलेगा, तब जाकर पानी उसका पूरा ख़त्म होगा। पूरा 4 मिनट 58 मिनट 5 मिनट बस 2 मिनट कम है, और हमें जो है फिर वापस चलना है वहीं पर जहाँ पर हम सुबह गए थे, जहाँ पुराने दुकान की सिस्टिंग है। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं और वहाँ पर मिट्टी को बराबर करना, पानी को बराबर करेंगे, उसके बाद से जो कल है वो भी आपको दिखाते हैं। हम लोग आ चुके हैं, और यही जो कल है जो कि सुबह में कसना था, जो कि अब कसा गया अच्छे तरीके से, और इस मिट्टी को जो है हमें इधर करना है, यानी इसके नीचे करना है। यहाँ पे हमने ला दिया कुदाली भी। फाइनली जो काम है आज का वो काम कंप्लीट होता है, जो भी काम था कल का वो काम कंप्लीट हो गया, प्लस हमने वहाँ से ईंट निकालनी थी ज़मीन में से, वो भी हमने निकाल दिया है। अब कल हमें क्या करना है, कल जो भी मिट्टी है उसे हम बराबर करेंगे। कल वैसे भी कल संडे है, और कल
दो तीन काम होने वाला है। पहला काम तो ये टंकी का होगा, दूसरा काम दरवाजे वाले कल आने वाले हैं, देखते हैं कल आते हैं कि नहीं आते, उन्होंने बोला ये कल आएंगे। और तीसरा काम ये कि वहाँ की जो मिट्टी है उसे हमें बराबर करनी है। मिट्टी बराबर करने के बाद से और भी कुछ काम हो तो वो करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तीन काम दिख रहा है जो कि हमें कल करना है। और ये जो वीडियो है, आपने वीडियो में देखा, एक बुजुर्ग बाबा थे, बाबा हैं जो कि कल का काम कर रहे हैं, वो भी उनका मेरे ख्याल से उनका जो एज है 70 अप्रोक्स होगा, तो वो इस एज में भी जो है अपने काम से पीछे नहीं हट रहे। हालांकि वो काफ़ी पहले से यही काम करते हैं और अभी भी यानी 70 प्लस एज में भी वो अपने काम से पीछे बिल्कुल भी नहीं हट रहे हैं। और आप लोग में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने देखा भी होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सब चीज़ बिल्कुल सही होता है, लेकिन फिर भी वो काम को न अपना कर भीख मांगना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो ये जो वीडियो एक तरह से उन लोग के लिए सीख है जो कि सारा चीज़ अच्छे से होकर भी भीख मांगते हैं, जो कि उन पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। और यहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपाही होते हैं, जिनका हाथ नहीं होता है, पैर नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटते। तो एक तरह से ये वीडियो सीख देती है कि कभी भी हमें मेहनत से पीछे नहीं हटने चाहिए, मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हालांकि वो जो बाबा है वो मतलब इतने एज में भी वो मेहनत करने से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे थे, जैसा कि मैंने देखा। और जो काम करना था, जो हमें कल कसना था, वो सारा कल उन्होंने ही कसा। एक तरह से वीडियो सीख देती है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद नहीं हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मैं मतलब से कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।